मध्य प्रदेश का सिवनी जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है। बरघाट का सिविल अस्पताल से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं, जिस खबर को देखकर आपको भी लगेगा कि यह सिविल अस्पताल अब सिर्फ एक लूट का अड्डा बन चुका है। बीएमओ स्वास्थ्य अधिकारी मरीज से 300 रुपए की रिश्वत लेते हैं फीस के नाम पर। जी हाँ, यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के जिला सिवनी बरघाट में स्थित यह सिविल अस्पताल लूट का अड्डा बन चुका है। यहाँ बीएमओ उषा श्री पांडे लगभग 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं और तैनात हैं, जबकि 3 साल बाद कर्मचारियों को हटा देना चाहिए। अस्पताल में कोई भी वाहन लगता है उसमें कमीशन मांगी जाती है और सामान की खरीदी हो उसमें भी कमीशन चलती है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और यह भी बताया जाता है कि मरीजों से बहुत ही अभद्र तरीके से पेश आती हैं या मैडम जो इलाज करने आते हैं, महिलाएं मैडम के पास सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है, ऐसा खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आदिवासी समाज की महिलाओं को सबसे ज्यादा जाति झेलनी पड़ती है। इलाज के नाम पर लंबी रकम इन सभी से वसूली जाती है। ऐसे की भ्रष्टाचार परिवार की इस कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है और कोई भी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। कोई भी अधिकारी आखिर जांच करने क्यों नहीं आता है, यह भी एक सवालिया निशान है। प्रशासन को ऐसे कर्मचारियों को हटाना चाहिए, यही आवाम की आवाज है। 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं और वह यहीं पर तैनात हैं। उषा पांडे की डॉक्यूमेंट की जांच करें तो इसमें भी दाल में काला नजर आ रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं और हमारे सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। अस्पताल चल रहा है सिर्फ 2 डॉक्टरों के भरोसे, न ही बेहतर इलाज है और कमीशन खोरी चरम सीमा पर है। देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद आखिर इस पर कोई एक्शन होता है या फिर यह भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संजय काणे के साथ देखें पूरी रिपोर्ट। अस्पताल के सामने हूं और बात करूं तो तमाम मरीज कैसे हलाकान हो रहे हैं। यहाँ की जो बीएमओ हैं उषा श्री पांडे, लापरवाह कर्मचारी हैं सरकार की ये, कि इनसे आए दिन कोई ना कोई परेशान रहता है और मरीजों से 300 रुपये फीस लेती हैं सिर्फ इलाज करने का। अलग से इनकी तनख्वाह किस बात की लेती हैं सरकार की जो 300 रुपये फीस ले रही हैं, जबकि यहाँ जो महिला बाहर से आती है उन्होंने हमको बताया कि 300 रुपये फीस लेती हैं, जबकि फीस देने कोई नियम नहीं है। ऐसे जो सरकारी जो अधिकारी हैं, ऐसे सरकारी कर्मचारी को तत्काल हटाना चाहिए और मोहन सरकार से कहेंगे कि लापरवाही कर्मचारी जो अस्पताल के हैं तत्काल उन पर नकेल कसे और तत्काल उनको यहाँ से बर्खास्त करे जो लोगों से पैसे लूटती हैं गरीबों से और बाहर के आने वाले कैसे यहाँ पर पेशेंट परेशान होते हैं। खबरों के लिए देखते रहिए R9 भारत से संजय काड़े सिवनी, कैमरामैन थर्मेन जायसवाल के साथ। जो उषा श्री पांडे यहाँ की मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इनके पति हैं जो 300 रुपये की रसीद काटते हैं जो इलाज कराने आती महिलाओं की, वो रसीद काटते हैं, पूरी व्यवस्था वो संभालते हैं। श्रीडम जो है सिर्फ नाम मात्र के, सिर्फ वो अपने समय पर आती हैं, बाकी उनको अस्पताल से कोई लेना देना नहीं कि अस्पताल में मरीज साथ क्या हो रहा है। और वही भी बताया जाता है उनसे, डॉक्टर्स लोग भी परेशान हैं, जो यहाँ कर्मचारी भी परेशान हैं कि मैडम बहुत लापरवाही करती हैं। इनकी शिकायतें बहुत पहले से भी आ रही हैं कि अस्पताल की अव्यवस्था भी खराब चल रही है इस समय। अच्छा, 12-1 बजे से कहाँ से आए आप? हैं 1 बजे से आए ना आप? कहाँ से आए? कहाँ है मैडम के पास? अच्छा अच्छा, चेक करने की फीस कितने लेती हैं? 300 ले लिए। क्या नाम आपका? शारदा परते। कौन गाँव? विजय पानी। और आप? साल। जिला पंचायत सदस्य ओमकार पटले, आपको वीडियो दिखाया हमने अस्पताल में जो उषा श्री पांडे जो हैं यहाँ की बीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाँ भाई, वो मरीज बता रहे हैं हमसे 300 रुपये लेती है इलाज। सरकार तो आपकी भाजपा सरकार तो मरीजों के इलाज फ्री में गवर्नमेंट के अस्पताल में, फिर फीस किस बात की ले रही हैं? क्या कहें? वीडियो देखा आपने? हाँ, वीडियो देखे, देखने से अच्छा नहीं लग रहा है। और सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे केंद्र की सरकार के निःशुल्क और बहुत सारी योजनाएँ हैं जो निःशुल्क में हमारे गरीब लोगों को सुविधा मिले, लाभ मिले और अपना जीवन बसर अच्छे से करें, ऐसी मंशा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भी है और मोदी जी की भी है। तो इन योजनाओं को मिलना चाहिए लाभ, तो ये लोग अपने घर में इलाज करते हैं या सरकारी अस्पताल में भी इलाज करते हैं, पैसा लेते हैं, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर ऐसे कर्मचारी रखना चाहिए, हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। बरघाट में कितने साल से मैडम? लगभग 4-5 साल हो रहे हैं। इतनी लापरवाही की है, किसी चीज़ में कोई ध्यान नहीं देती, उसमें जो 2 डॉक्टर लोग संभाल रहे हैं, जो भी यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो संभाल रहे हैं, मैडम का तो कोई लेना देना नहीं, अपने पैसे कमाने से मतलब, इनको इनकी शिकायतें आती है। यही शिकायतें तो बहुत लोग आते हैं, हम तो प्रॉपर यहाँ बरघाट में रहना होता है हम लोगों का भी। ऐसे मैडम को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना? बिल्कुल हटाना चाहिए, ऐसा कार्रवाई करना चाहिए। और जिले के चिकित्सक अधिकारी से भी निवेदन है कि इनको तत्काल हटाएं और जिला कलेक्टर महोदय से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और सरकार की किरकिरी ऐसे ही कर्मचारी कराएंगे जो पैसा लूटकर लोगों का पेट काट रहे हैं। 9 भारत से हम जिला प्रशासन
मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सिवनी से कि ऐसे लापरवाही जो आपके कर्मचारी हैं उनको तत्काल हट। हमारे साथ है अनिल पाठक हैं, सांसद प्रतिनिधि भी हैं और पूर्व पार्षद भी हैं और समाज सेवक भी हैं। ये अभी आपके संज्ञान में एक वीडियो आया अस्पताल का, एक जहाँ उषा श्री पांडे जो बीएमओ है यहाँ की, मरीजों से 300 पे रही इलाज के नाम पर, और सरकार आपकी भाजपा सरकार भी मध्य प्रदेश में मोहन सरकार है, इस प्रकार का लूट खसोट चल रहा है। तो जब शासन सारे हमारे लोगों को सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें, इस योजना के तहत शासन एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार गरीबों को स्वस्थ रखने के लिए, गरीब सभी स्वस्थ रहें इसलिए लगातार माताओं बहनों से लेकर बुजुर्गों से लेकर सभी को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा दे रहे हैं। हॉस्पिटल में फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री में टेस्ट हो रहा है। लेकिन ये जो मेरी जानकारी में ये बात आई, आपने वीडियो देखा कि नहीं? मैंने अभी वीडियो देखा, वीडियो देखे जानकारी आई कि यहाँ जो कर्मचारी हैं डॉक्टर, महिला डॉक्टर द्वारा मरीजों से पैसे लिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं शासन प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर शीघ्र कड़ी कार्रवाई कर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। शासन की योजनाओं को पलीता लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। इसमें आपको लगता है कि नहीं सरकार की किरकिरी हो रही है? तनख्वाह इनकी 1 लाख से ऊपर है और बताया जाता है कि 2 लाख रुपए कम से कम महीने में कमाती है 300 रुपए के हिसाब से, और ये मैडम कम से कम 4.5 साल से ऊपर हो गए बरघाट में मैडम डटी हुई हैं, जबकि नियम नहीं कहता कि 3 साल में इनको हटा देना चाहिए यहाँ से, और ये कमीशन भी खोरी करती हैं जितनी गाड़ियाँ लगती हैं उसमें, क्या कहेंगे उसके? सारे उनके कारनामों की जाँच की मैं मांग करता हूँ और लगातार उच्च अधिकारियों से संपर्क करके मैं इसकी सूचना ऊपर भी देता हूँ, और सूचना देने के साथ साथ शीघ्र कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का कोई भी अगर करता है, कोई भी अगर कोई पाया जाता है, कोई अधिकारी कर्मचारी जिसको शासन बराबर तनख्वाह दे रहा है और भुगतान लेने के बाद यदि आप सेवा के नाम पर लूट मचाओगे, तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी और मोहन यादव जी की सरकार है, ये तुरंत ठिकाने लगाना भी जानती है। तो मेरा निवेदन है अधिकारियों से, सांसद प्रतिनिधि अनिल पाठक ने कहा निश्चित है कि मोहन सरकार, मोदी सरकार और इस प्रकार लूट खसोट की सरकार में शासकीय कर्मचारी अगर करता है इन पर दंडित होना चाहिए। और हम पब्लिक से यही कहना चाहेंगे कि बरघाट बीमा अगर आप इलाज कराने जाते हैं महिलाओं से, तो बिल्कुल हम कहेंगे 1 रुपये ना दें इनको, और पैसे की मांग करते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग करें और हमारे R9 भारत से संपर्क करें। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए R9 भारत से। संजय काड़े, जिला ब्यूरो, सिवनी।